मन का स्वभाव सब कोई करे, मन का स्वभाव सब कोई करे, हैबिट आदत स्वभाव। ग्यारी सन सिंह जी मस्कीन जी इस बात को बड़े प्यार से समझाया करते थे, एक अलग ढंग से, कि स्वभाव होता क्या है। कहते थे जिस कर्म को रोज करो और करने के बाद पश्चाताप ना हो, जिस कर्म को रोज करो और करने के बाद पश्चाताप ना करें कि हमने ये क्या कर दिया, और रोज करते जाए दोहराते जाए तो ये स्वभाव बन जाता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, आदत बन जाती है, फिर ये बहुत ही मुश्किल छूटती है, लगभग नामुमकिन है छूटने, हैबिट छूटती नहीं। पर गुरबानी तो नामुमकिन को मुमकिन करने का साधन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं मैं तुझे बताता हूं तो अपना स्वभाव कैसे बदल। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होए सो अन्य भय रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, उस करते के साथ एक हो जा मन। पहले मन को समझ ले, यहां पे मन है क्या। इस सृष्टि में जिसकी गति सबसे तेज है, साइंटिस्ट कहते हैं वो लाइट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरबाणी कहती है नहीं, जो सबसे तेज गति है वो है मन की। सूरज की रोशनी को भी धरती पर पहुंचने में 7-8 मिनट लग जाते हैं, पर मन 1 सेकंड में सूरज पर पहुंच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन से ज्यादा तेज गति किसी चीज की नहीं है। सबसे जो खतरनाक चीज है, चंचल है, वो है मन। मन का स्वभाव सब कोई करे। संत बाबा खड़क सिंह जी, तो जो आप हरमंदर साहब देखते हैं ना, इसमें जो लंगर हॉल बना हुआ है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, रामसर साहब में सरोवर बना हुआ है, ये जितनी भी कार सेवाएं हैं ये संत बाबा खड़क सिंह जी ने करवाई हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ही कमाई वाले महापुरुष हुए, बहुत अत की कमाई वाले। और जो भी चीज इन्होंने बनाई है, इस प्रकार बनाई है, कम से कम 400-500 साल तक गिरे नहीं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बैठे हैं वहां पर, कार सेवा चालू है संत रामसर साहब में। एक पुलिस वाला आया, महापुरुष बैठे हैं इस प्रकार, छोटा सा टेबल आगे पड़ा है, संगत कार सेवा कर रही है, महापुरुष थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। एक पुलिस वाला आया, उसने अपने जेब से 100-100 के 5 नोट निकाले। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर महापुरुषों से कहने लगा ये कार सेवा में डाल दीजिए सेवा। महापुरुषों ने उसके देखा और कहने लगे टेबल पर रख दो, हाथ नहीं लगाया पैसे को, टेबल पर रख दो। तो पुलिस वाले ने वो 5 नोट 100-100 के टेबल पर रखे और बैठ गया। जोर से हवा आई, वो पैसे उड़ गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर महापुरुषों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका सेवक पास में खड़ा है, कहने लगा महापुरुषों ये नोट हवा से उड़ गए हैं। महापुरुष कहने लगे ऐसे कई नोट उड़ते रहते हैं, ध्यान मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे कई नोट उड़ते रहते हैं, इन पे ध्यान मत दो। पर ये बात उस पुलिस वाले के दिल को बहुत बुरी लगी कि मेरे नोट उड़ गए हैं, सेवा दी है मैंने, इनको किसी की सेवा की कदर ही नहीं। उसी वक्त एक गरीब आदमी आया, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, कुर्ते की जेब में से उसने 2 रुपए का नोट निकाला, मैला सा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। और कहने लगा कार सेवा देनी है। बाबा जी ने हाथ में पैसे लिए और अपने जेब में डाल लिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब पुलिस वाले से रहा नहीं गया, सेवादार से कहने लगा कैसे तुम्हारे महापुरुष, 500 रुपए उड़ गए तो कहते हैं ऐसे नोट उड़ते रहते हैं, और इस आदमी के 2 रुपए लेकर अपने जेब में डाल दिए।
महापुरुष कहने लगे, भाई इसकी हक हलाल की कमाई है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, तेरी रिश्वत की कमाई है, रिश्वत की। पर ऐसे नोट उड़ते ही रहते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तेरी रिश्वत की कमाई लेकर सेवा में लगाएं, वो सेवा ही नहीं फलेगी। अब वो पुलिस वाला हैरान हुआ कि महापुरुष अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बैठ गया चरण पकड़कर, महापुरुष ठीक है, मैंने रिश्वत ली है, पर 4-5 हजार में कहाँ गुजारा होता है घर का, जो तनख्वाह मिलती है हमें। रिश्वत नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। महापुरुष कहने लगे, ये दलीलें यहाँ पर चल जाएंगी। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज मालिया। जमदूत सिर्फ ये करते हैं, सही ये है गलत ये है, वहां पर दलीलें नहीं पूछते। घर से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगा, महापुरुष आप जुगती बताओ, मैं इसे कैसे बचूं, अभी तो आदत पड़ गई है रिश्वत लेने की। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर महापुरुषों ने बड़ा प्यारा संदेश दिया कि मन को काबू में कैसे करें। मन को बात चल रही है, मन की, मन का स्वभाव सब कोई करे। महापुरुषों ने बड़ी प्यारी तरीके से समझाया, कहने लगे, रिश्वत लेने के लिए तुझे तेरे हाथ बोलते हैं कि तेरी आंखें बोलती हैं कि तेरे पैर बोलते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कहने लगा, नहीं बाबा जी, रिश्वत लेने के लिए मन बोलता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, बात सही है, मन इस शरीर का इंजन है, इंजन, और ये शरीर मानो इंजन के पीछे लगे हुए डब्बे। जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो हाथ नहीं कहते बुरा काम कर, आंखें नहीं कहती कि बुरी चीज देख, पर ये मन अंदर से कहता है कि देख। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये डब्बे उसके पीछे लग जाते हैं। अगर इस इंजन के ड्राइवर हम खुद बन जाएं, इस मन के, तो पारस परस दुविधा न, फिर नहीं दुविधा में आएगा। ये पर्च जाए एक बार राम के साथ, तो इस पुलिस वाले ने बेनती की, पाछा कैसे कैसे मन को कंट्रोल करें। समझ में आ गया कि मन इंजन है, ड्राइवर बनना है, पर कैसे बने, मन बनने नहीं देता। महापुरुषों ने कुर्बानी की पंक्तियां उच्चारण किए, मन जानते सब बात, जानते ही अवगुण करे, हाथ दीप कुएं पर काहे की उसला। मन बेचे ससगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। पाछा कहने लगे, महापुरुष कहने लगे, संत बाबा खड़क सिंह जी, कि ये मन सब जानता है क्या सही क्या गलत, पर जानबूझकर अवगुण करता है। इसको बस में करने का एक ही तरीका है, इस मन को किसी को बेच दो। प्यार से बोले, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस मन को गुरु को बेच दो। मन बेचा है सतगुरु के पास, एक से जोड़ दो मन को, एक से। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सुखदेव मुनि जब राजे जनक के पास गया ना, और उसने कहा कि मुझे ज्ञान दो, तो राजे जनक ने कहा, मन को बस में करो। सुखदेव मुनि कहता है, मन को कैसे बस में करें। राजा जनक कहता है, तुझे ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान देता हूं, पर एक शर्त है। एक थाली में तेल भरकर दे दिया, तेल ऊपर तक तेल भरा हुआ है,
राजा जनक कहने लगा पूरे राजमहल के चक्कर मारने हैं तूने। जो तो राजमहल है ना, हमारे हर कमरे में जाना है, प्रवेश करना है, हर जगह से घूम कर आना है, और एक भी तेल की बूंद इसमें से नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। तो हर सेवे लिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि वो थाल में तेल लेकर चल पड़ा। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से, डर कर चल रहा है कि कहीं तेल की बूंद ना गिर जाए। पूरा राजमहल घूम लिया, तेल की बूंद गिरने नहीं दी। प्यार से बोले धन गुरु नानक। जब वापस आया तो कहने लगा एक भी बूंद नहीं गिरी, अब ज्ञान दीजिए। राजा जनक कहने लगा यही तो ज्ञान है, तू पूरे राजमहल में घूमा, बता कौन से कक्ष में किस रंग के कालीन बिछे हैं। कहने लगा मुझे नहीं पता। दीवारों के रंग कौन से हैं? कहने लगा मुझे नहीं पता। राजमहल कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं? कहने लगा मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान तो केवल इसमें था कि तेल की बूंद ना गिरे। बस राजा जनक कहने लगा यही जुगती है, मन को एक से लगा दो। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरा मन एक तेल में लग गया कि तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए, बाकी तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगर इसी तरह से परिचय राम रवे जो कोई, राम का सिमरन तो हम सब करते हैं, पर पर्च के कर ले कोई, खुब कर, डूब कर, जुड़ कर, एक से पार से परस है, दुविधा ना होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यही जुगती है, मन एक से जोड़ दो। दास कई बार कह चुका है, जब तक मन एक से नहीं जोड़ेंगे बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रेम एक से होता है, अनेक से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।